Today our topic is the President and the Vice President, Civics Class 10th. So the President is the constitutional head of India. He is the constitutional head of the executive. This is written in Article 53. So Article 53 ये authorization देता है कि the President will be the constitutional head, executive head of the India. Will be the head of the executive machinery of India. लेकिन आर्टिकल 53 को आर्टिकल 74(1) के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से या एग्जीक्यूटिव हेड से क्या मीनिंग है ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मींस द एडमिनिस्ट्रेशन, द वर्किंग सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, वो सारा एग्जीक्यूटिव है. तो उसका हेड अगर प्रेसिडेंट है तो फिर प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या उसके सामने है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड अथॉरिटी है. सो आर्टिकल 74(1) ये कहता है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बट ही विल वर्क अकॉर्डिंग टू द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर हु इज हेडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और हु इज हेडिंग द कैबिनेट. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करने वाले जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट काम करते हैं. ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो सेल्फ डिसीजन ले सकें. सो प्रेसिडेंट इज अ हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 53 सेज. लेकिन आर्टिकल 53 को आर्टिकल 74(1) के साथ जब ज्वाइन करके पढ़ा जाएगा तब प्रेसिडेंट की रियल पोजिशन क्लियर होगी. इससे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया का प्रेसिडेंट क्या कोई गोल्डन जीरो है जैसा कई कॉन्स्टिट्यूशनल बुक्स में लिखा गया है. सो ये बात नहीं है. प्रेसिडेंट की पावर्स हैं और प्रेसिडेंट की नॉमिनल पोजीशन नहीं है इंडिया में. लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भी डिबेट हुई थी कि इंडिया का प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया का प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होगा तो देयर विल बी टू सेंटर ऑफ पावर्स, क्योंकि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है जो इलेक्शन विन करके आती है और जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपनी मेजॉरिटी प्रूव करती है, उस मेजॉरिटी पार्टी का जो हेड होता है उसको प्रेसिडेंट इनवाइट करता है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए. सो वो पब्लिक को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर. अब प्राइम मिनिस्टर पब्लिक को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो फिर प्रेसिडेंट भी पब्लिक को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे. तो ऐसी कंडीशन में एक क्राइसिस की कंडीशन होगी कि प्रेसिडेंट की पावर क्या होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या होनी चाहिए. इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी डिबेट्स हुई और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इंडिया का प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा. तो इंडिया का प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है दैट इज़ आर्टिकल 54. आर्टिकल 54 कहता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. अब ये सिस्टम का मतलब क्या है, इसको पब्लिक डायरेक्टली वोट नहीं करेगी. पब्लिक ने जिसको इलेक्ट किया है वो इलेक्टोरल कॉलेज बनाएगा और वो इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेगा. अब देखिए, जो स्टेट्स की असेंबलीज हैं और लोकसभा एंड राज्यसभा है, वहाँ कुछ मेंबर इलेक्टेड के साथ नॉमिनेटेड भी होते हैं. तो प्रेसिडेंट पब्लिक को रिप्रेजेंट करे इनडायरेक्टली, इसलिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई रोल नहीं है. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल इलेक्टेड मेंबर्स का ही रोल है. स्टेट असेंबलीज के जितने भी MLAs हैं उनका वोट काउंट किया जाता है और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनका वोट काउंट किया जाता है. उस वोट की वैल्यू एक फॉर्मूले से असाइन की गई है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट कैसे निकाला जाएगा और MLA का वोट का वैल्यू वेटेज कैसे निकाला जाएगा. तो अगर MLA के वोट की वेटेज निकालनी है तो दैट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ MLAs इन द स्टेट असेंबलीज. और ये MLA कौन है, जो इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं है. MLCs नहीं काउंट किए जाएंगे इसमें. विधान परिषद जहां पर है वो काउंट नहीं किए जाएंगे अगर वो नॉमिनेटेड हैं. तो डायरेक्ट
पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एमएलएज मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो ये डिनोमिनेटर में रहेगा नंबर ऑफ द इलेक्टेड एमएलएज मल्टीप्लाइड बाय 1000 और न्यूमरेटर में रहेगा पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ये जो वोट वैल्यू है, ये वोट वैल्यू एक एमएलए के वोट की वैल्यू है। अब पूरे इंडिया की एमएलएज की टोटल वोट वैल्यू निकाल ली जाएगी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1970 का, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग दिल्ली और पांडिचेरी के वोट एमएलएज के वोट भी ले लिए जाएंगे और उसके बाद ये एक एमएलए के वोट की वेटेज आ गई। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वेटेज ली जाएगी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वेटेज कैसे निकलेगी? टोटल एमएलए के वोट की वेटेज जितनी है अपॉन टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं, चाहे वो लोकसभा के लिए हो चाहे वो राज्यसभा के लिए हो। तो ये अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, तो इस तरह से ये जो वोट वैल्यू निकली, इस वोट वैल्यू से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। और ये सारा जो सारा कुछ है प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये आर्टिकल 54 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसमें वेल डिफाइंड है। तो आर्टिकल 53 किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द मशीनरी एंड आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड। अब ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम है वोट का, इसको जरा समझ लेते हैं। इंडिया में सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जो बिना इलेक्शन के, मतलब बिना ऑपोजिशन के इलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी, इसके अलावा जितने भी प्रेसिडेंट हैं, दे उनको सबको इलेक्शन लगना पड़ा है और इलेक्शन लग करके ही वो अपनी सीट पर आए हैं। तो ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, इसमें जितने भी एमएलएज और एमपीज वोट करते हैं, इनकी इनसे पूछा जाता है कि आपकी फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, बैलेट पेपर में चॉइस पूछी जाती है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो चॉइस आपसे मांग ली गई। उसके बाद वोट्स की काउंटिंग शुरू होती है। सबसे पहले फर्स्ट चॉइस के वोट काउंट किए जाते हैं। मान लीजिए किसी को 50% प्लस वन वोट नहीं मिल रहा है, तो जिसको लीस्ट वोट मिले हैं उसको सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। फिर सेकेंड चॉइस की काउंटिंग शुरू होती है, फिर भी मान लीजिए 50% प्लस वोट नहीं आते हैं, तो फिर ऐसे नीचे से रिडक्शन होता होते अंत में दो कैंडिडेट्स ही बचेंगे। अगर रिडक्शन एलिमिनेशन होता चला जाएगा तो फिर उसमें से एक विनर होगा। तो ये मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, चॉइस का सिस्टम इसको कहते हैं। तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड है आर्टिकल 54। तो अभी तक हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, वो उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और उसके इनडायरेक्ट इलेक्शन होने की सिग्निफिकेंस ये है कि वो उस दो सेंटर ऑफ पावर ना क्रिएट हों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और वो पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं और वो इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं पीपल से, जनता से, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74(1) को जब कंबाइंड स्टडी किया जाएगा तो प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव हेड की पोजीशन क्लियर हो रही है। अब जरा हम आगे आते हैं कि प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा। तो आर्टिकल 56 कहता है कि प्रेसिडेंट विल होल्ड द ऑफिस फॉर द टाइम ऑफ 5 years, 5 साल तक वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। और इसके बाद आर्टिकल 58(1) हमको ये बताता है कि प्रेसिडेंट होने की एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, आर्टिकल्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिविक्स में याद नहीं रहेगा आपको, अगर आपको आर्टिकल्स आपके माइंड में रहते हैं तो आपको चीज़ें बेहतर याद रहेंगी। तो आर्टिकल 58(1) ये हमको बताता है कि प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी देखिए, पहली बात तो वो लोकसभा के मेंबर होने की पूरी रिक्वायरमेंट हो उनके अंदर, और 35 इयर्स की एज हो और इंडियन सिटीजन हो, इतनी ही एलिजिबिलिटी है। उसमें कोई एजुकेशनल एलिजिबिलिटी नहीं होती है। तो ये एलिजिबिलिटी है। और लोकसभा के मेंबर होने की एलिजिबिलिटी ये होती है कि वो साउंड माइंड के हों और वो कोई प्रॉफिट का ऑफिस होल्ड ना कर रहे हों, और अगर वो जिस समय उनका इलेक्शन हुआ है उस समय वो किसी विधानसभा या किसी स्टेट असेंबली या लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हैं, तो इलेक्टेड होते ही उनका वो जो प्लेस है वो वैकेंट हो जाएगा। तो एक साथ दो पोजीशन होल्ड नहीं करी जा सकती हैं। तो ये हमारा जो मेथड है, ये जो चीज़ें हैं, ये प्रेसिडेंट के बारे में दी गई हैं। और वो कहीं इलेक्ट हो जाते हैं एज अ प्रेसिडेंट, तो जो उनकी लोकसभा में या राज्यसभा में या स्टेट असेंबली में जो पोजीशन है वो आर्टिकल 59(1) के अकॉर्डिंग वो वैकेंट हो जाएगी सीट अपने आप। तो क्योंकि वो हायर पोजीशन पर इलेक्ट हुए हैं, तो लोअर पोजीशन की जो, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं,
तो इसलिए जो आर्टिकल 59(1) कहता है कि उनकी जो पोजीशन है वो वेकेंट हो जाएगी। अब बात ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर अगर बाय द वे कोई डिस्प्यूट आता है तो वो डिस्प्यूट कहाँ जाएगा, क्या इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा? नहीं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का डिस्प्यूट इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाएगा। आर्टिकल 71(1) कहता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो डिस्प्यूट है वो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज, उसको सबको मानना होगा। तो वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाना, या उसको कहीं और फाइल नहीं किया जा सकता उस सूट को, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस उसमें अपने साथ कोई बेंच ले सकते हैं, वो उनका डिस्क्रिशन है, लेकिन इलेक्शन को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट आता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, तो दैट विल बी रिफर्ड टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ने ऑफिस होल्ड कर लिया तो आर्टिकल 61 में ये क्लियर किया गया है कि प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस से हटाया कैसे जा सकता है। तो प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस से हटाने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट, उसको महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। वो आर्टिकल 61 में क्लियर किया गया है कि कैसे इम्पीचमेंट होगा। तो देखिए, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इम्पीचमेंट का प्रोसेस कहीं भी शुरू हो सकता है। इम्पीचमेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इक्वल पावर्स हैं। उसमें प्रेसिडेंट को पहले 14 दिन का नोटिस देना होगा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क करने के चार्जेस पर ही इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, और किसी इशू पर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट नहीं लाया जा सकता है। तो ये किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, राज्यसभा में या लोकसभा में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करने के लिए प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट ला सकते हैं। तो पहले उस पर एक हाउस इम्पीचमेंट लाएगा, लाने के बाद उस पर डिबेट होगी, वोटिंग होगी। अगर वो एक हाउस से पास हो जाता है तो वो दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में उसमें डिबेट होगी, वोटिंग होगी, और वो भी पास हो जाता है तब, और इस बीच में प्रेसिडेंट को अपना अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात रखें, उसके बाद ही वोटिंग होगी। और अगर वो पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट विल बी इम्पीच्ड, और वो जो पासिंग है वो जो है वो मेजॉरिटी से होनी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी से। तो ये प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का मेथड है, जो इजी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट मेथड बनाया गया है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का। इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से हटाने का, बस यही एक मेथड है कि वो या तो रिज़ाइन कर दें अपनी पोस्ट से। तो रिज़ाइन करने के लिए वो अपना जो रेजिग्नेशन है वो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन अपना दे सकते हैं। बाकी इसके अलावा प्रेसिडेंट के को अपने पोजीशन से हटाने का कोई भी मेथड नहीं है। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट की पोस्ट रिटायर हो जाते हैं, वो अपनी 5 ईयर्स उनके पूरे हो गए, तो अगला इलेक्शन कराने के लिए कितना टाइम वैलिड है, मतलब पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट कितने दिन तक खाली रह सकती है, वैकेंट रह सकती है। अब मान लीजिए पोजीशन तो खाली नहीं रहेगी, प्रेसिडेंट अगर ने अपना ऑफिस अब वैकेंट किया तो तुरंत वो ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट वहां पर ले लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट अनअवेलेबल हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस ऑफिस को होल्ड कर लेंगे। ऐसा हुआ भी है, जस्टिस हिदायतुल्ला भारत के चीफ जस्टिस थे और उन्होंने प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क किया है इंडिया का। तो और वो एक एग्जांपल है सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री में जब चीफ जस्टिस हिदायतुल्ला ने एज अ प्रेसिडेंट वर्क किया है। तो वो टाइम पीरियड क्या है कि जितने टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट होने के बाद, ऑफिस जब उनका वेकेंट हो गया तो इलेक्शन करा लेना चाहिए, दैट टाइम पीरियड इज मैक्सिमम 6 मंथ। 6 मंथ तक केवल प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है, जो ऑफिस है, वो वेकेंट रह सकता है, और 6 मंथ से ज़्यादा वेकेंट नहीं रह सकता। आर्टिकल 62(2) ये कहता है कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो मैक्सिमम 6 मंथ तक वेकेंट रह सकता है। अब बात ये है जो मैंने अभी बात बोली कि अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वेकेंट है, कहीं किसी कारण से डेथ हो जाती है, या वो अपना बीमारी की वजह से अपना वर्क करने में वर्क नहीं कर पा रहे हैं, या उन्होंने पोजीशन अपनी छोड़ दी है, तो प्रेसिडेंट की जगह पर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जगह पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जो आ सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 65 के बाउंडेशन में ये काम हो सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो बात आर्टिकल वाइज दी हुई है उसी बात के अकॉर्डिंग ये वर्क सारे हो सकते हैं। अब प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, और प्रेसिडेंट के पास जो एक बड़ी स्पेशल पावर है वो पावर है लोकसभा को डिसॉल्व करने की। वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब लोकसभा को प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं, वो आर्टिकल 85(1) कहता है
कि 85-1 और 85-2 को मिलाकर पढ़ा जाए तो ये बताया जाएगा कि प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको भी 74-1 के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए कि वो लोकसभा को तभी डिसॉल्व कर सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर उनको लिखित रिटर्न एडवाइस देंगे, जब प्राइम मिनिस्टर उनको रिटर्न कहेंगे विद द कंसेंट ऑफ देयर कैबिनेट कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाना चाहिए, तभी वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट की जितनी भी वर्क हैं वो प्राइम मिनिस्टर के रिटर्न कंसेंट और रिटर्न ऑर्डर के, ऑर्डर नहीं कह सकते उसको, रिटर्न कंसेंट के बाद ही होंगे, मतलब रिटर्न कोई चीज़ प्रेसिडेंट को दी है उसके बाद ही वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 85-2 है। अब एक और प्रेसिडेंट की पावर है जो डिस्कस होती है कि प्रेसिडेंट कैन कॉल द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन क्यों बुलाएंगे? देखिए, अगर मनी बिल का इशू है तब तो लोकसभा के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, क्योंकि मनी बिल में तो ये होता है लोकसभा का स्पीकर डिसाइड कर देते हैं कि ये मनी बिल जो है ये बिल मनी बिल है कि नहीं है, और अगर वो मनी बिल है तो राज्यसभा के पास उसको सिर्फ मैक्सिमम 14 डेज तक डिले करने के अलावा और कोई पावर नहीं है। राज्यसभा उसको 14 डेज तक डिले कर सकती है, और अगर राज्यसभा उसको चाहे तो उसमें रिकमेंडेशन दे सकती है, लोकसभा उसको माने या ना माने। तो पहली बात तो ये है कि मनी बिल को लेकर लोकसभा के पास अनलिमिटेड पावर है, लेकिन ऑर्डिनरी बिल अगर है तो लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स इक्वल है। अब मान लीजिए कोई बिल राज्यसभा में पास हो जाता है और वो बिल लोकसभा में नहीं पास हो रहा है, किसी वजह से वो बिल अटका हुआ है। दूसरा केस ये हो सकता है कि बिल लोकसभा में पास हो जाता है और राज्यसभा में नहीं पास हो रहा है, दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। अगर बिल राज्यसभा में पास हो जाता है, अगर बिल राज्यसभा में पास हो जाता है और लोकसभा में पास होना है तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। प्रेसिडेंट वो ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे कि आप दोनों मिलकर वोटिंग करें, लेकिन वोटिंग में हमेशा लोकसभा का वेटेज रहता है। रीज़न क्या है? लोकसभा का वेटेज इसलिए रहेगा क्योंकि लोकसभा की मेंबरशिप ऑलमोस्ट डबल है राज्यसभा से, तो जब भी वोटिंग होगी तो लोकसभा हमेशा उसमें विनर रहेगी, डबल ऑलमोस्ट डबल स्ट्रेंथ है। तो ज्वाइंट सेशन जो बुलाने का जो मेथड है, ये ज्वाइंट सेशन जो प्रेसिडेंट बुला सकते हैं, इसकी अथॉरिटी प्रेसिडेंट को आर्टिकल 108 से मिलती है। आर्टिकल 108 प्रेसिडेंट को ऑथोराइज करता है कि ही कैन कॉल द ज्वाइंट सेशन ऑफ द लोकसभा। और अगर मान लीजिए कोई भी लोकसभा में पास हो जाता है और राज्यसभा में नहीं पास हो रहा है, तब तो ज्वाइंट सेशन बुलाकर उसको पास ही करा लिया जाएगा। लेकिन ज्वाइंट सेशन की सिग्निफिकेंस तब है जब राज्यसभा में पास हो गया और लोकसभा में नहीं पास हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ज्वाइंट सेशन बुला करके उस बात पे एक प्रॉपर डिस्कशन हो सकता है। तो ज्वाइंट सेशन का जो फंडा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसको आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट बुला सकते हैं, ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का प्ररोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भी बिल लॉ तभी बन सकता है, उसका नोटिफिकेशन तभी होगा इंडियन गैजेट में, बिल वो लॉ तभी बन पाएगा जब पहले तो उसको दोनों हाउसेस मेजॉरिटी से पास कर दें, सिंपल मेजॉरिटी से या स्पेशल मेजॉरिटी से, जैसा भी बिल हो, और इसके बाद मेजॉरिटी से पास होने के बाद उसको प्रेसिडेंट साइन कर दें। और प्रेसिडेंट हमेशा साइन करने के लिए बाउंडेड नहीं है। ऑन द फर्स्ट साइड तो अगर प्रेसिडेंट उससे सेटिस्फाइड है तो कोई बात नहीं, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को अगेन सेंड कर सकते हैं कि आप उसको रिकंसिडर करिए। ये पावर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 111 देता है। तो आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट से पास होकर प्रेसिडेंट के पास आते हैं तो प्रेसिडेंट के पास ये फुल पावर है कि वो उसको 111 में आर्टिकल के बेस पर रिटर्न कर सकते हैं पार्लियामेंट को कि आप इसको दोबारा रिकंसिडर करें। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स भी होती हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉकेट वीटो होता है, पॉकेट वीटो का मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास बिल आ गया और प्रेसिडेंट उसको नहीं पास करना चाहते हैं, उसको नहीं चाहते कि लॉ बन जाए, तो प्रेसिडेंट उसको अनलिमिटेड टाइम तक डिले कर सकते हैं, उस पर साइन ही ना करें, वो पड़ा रहे, इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। तो ये पॉकेट वीटो एक बार प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने यूज़ किया था जब डाकघर विधेयक आया था, डाकघर बिल आया था, पोस्ट ऑफिस बिल, तो इस पर ज्ञानी जैल सिंह ने यह पॉकेट वीटो यूज़ किया था। तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट सारे बिल पर कंसेंट देने के लिए प्रेशराइज्ड हैं, और अगर प्रेसिडेंट ने उस पर साइन नहीं किया, वो मना नहीं कर सकते हैं लेकिन वो साइन नहीं भी कर सकते हैं, वो साइन ना करें, वो हमेशा उनके टेबल पे पड़ा रहेगा, इसको पॉकेट वीटो बोलते हैं। और ये पॉकेट वीटो एक बार यूज़ हो चुका है। इसी तरीके से पेप्सू पर तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वीटो ही कर दिया था, लेकिन जब वीटो होता है तो वो वीटो विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही हो सकता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता है। तो इसलिए
प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स भी होती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो पॉकेट वीटो ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट से वीटो हो रहा है तो दैट विल नॉट बी अ वीटो एक्चुअली, वो तो प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट से काम हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट को प्रेशराइज करता है कि मतलब ऑथराइज करता है कि प्रेसिडेंट वो रिकंसिडर करने के लिए पार्लियामेंट को बिल दोबारा दे सकते हैं। अब प्रेसिडेंट की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने की, जो पावर एक्चुअली पार्लियामेंट की है। कोई भी बिल इशू, कोई भी बिल लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट की है, वही पावर प्रेसिडेंट की है ऑर्डिनेंस इशू करने की। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। अब ऑर्डिनेंस इशू करने का जो ऑथराइजेशन है वो आर्टिकल 123 से प्रेसिडेंट को मिलता है। अब ऑर्डिनेंस की वही सिचुएशन होती है जो सिचुएशन बिल की होती है, लेकिन ऑर्डिनेंस में होता यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि लॉ बनाने की ज़रूरत है, तो प्रेसिडेंट उस लॉ को बना सकते हैं। ये अथॉरिटी प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 से मिलती है। प्रेसिडेंट ने लॉ बना दिया, उस लॉ को बनाने के बाद जब पार्लियामेंट सेशन में आती है तो पार्लियामेंट सेशन में आने के बाद उसको तुरंत कंसिडर करती है। अगर पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि यह लॉ रहेगा तो रहेगा, पार्लियामेंट एक्सेप्ट करती है नहीं, एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो लॉ नहीं रहेगा। तो लेकिन जब जब ऐसा होता है तब तक प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं है, विंटर सेशन, सेशन जब नहीं है, इसके अलावा जो महीने हैं, तो प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर है। इसके अलावा प्रेसिडेंट की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पावर होती है कि प्रेसिडेंट किसी बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। जैसे अभी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला जो इतना लंबा लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट के बाद 92 से चला आ रहा है, इतना लंबा जो चला है, इस पर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है मांगी थी। तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं और साथ में बाउंडेड नहीं है वो कि वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस माने। तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बेंच उनको एडवाइस दे सकते हैं अपनी, और ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो उस बात को माने या उस बात को ना माने। तो ये इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो के पास और बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करना आर्टिकल 280 में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करना, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करना, गवर्नर्स को अपॉइंट करना, कैल को अपॉइंट करना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करना, ये सारी की सारी पावर्स प्रेसिडेंट की होती हैं। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ये बात अलग है कि जो मेजॉरिटी का लीडर चुनकर के आता है, मतलब जिस जो इलेक्शन का विनर होता है, वो पार्टी अपना लीडर इलेक्ट करती है, उस लीडर को प्रेसिडेंट बाय कन्वेंशन इनवाइट करते हैं और उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये हमको बात समझनी है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोनों हाउसेस करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा करते हैं। तो ये बड़े डिग्निटरीज में वाइस प्रेसिडेंट ऐसी पोजीशन है जिसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, बाई कन्वेंशन ऐसा कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी और भी पावर्स होती हैं जिनको हम डिस्क्रिशनरी पावर्स कहते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टी इलेक्ट होकर के कोई इलेक्शन लगा दिया और इलेक्शन लगने के बाद किसी पार्टी के पास फुल मेजॉरिटी नहीं है, और फुल मेजॉरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसको किस पर्सन को वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करें कि वो फ्लोर पर अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर दे। तो ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशनरी, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है। और इसके अलावा बाकी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के पास वो आर्म्ड फोर्सेस के हेड हैं, सारी आर्म्ड फोर्सेस आर्टिकल 53 में ये बताया गया है कि सारी आर्म्ड फोर्सेस के जो नॉमिनल हेड है वो प्रेसिडेंट है। बाकी देखिए, प्रेसिडेंट की बाकी जितनी पावर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, बुक में बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई हैं, आपको समझ में आ जाएंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। बस मैं एक दो बातें आपको और बता दूं कि भारत में जो प्रेसिडेंट हुए हैं वो बहुत अलग अलग फील्ड के बड़े विद्वान लोग हुए हैं, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन एजुकेशन के फील्ड में बहुत दिग्गज थे और प्रेसिडेंट अपॉइंट होने से पहले वो दो बार एम्बेसडर रहे। इसके अलावा डॉक्टर राधाकृष्णन के अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया के प्रिंसिपल थे, प्रतिभा पाटिल भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति अभी तक रही हैं, अबुल डॉक्टर अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, मिसाइल मैन, और
इसके अलावा डॉक्टर वीवी गिरी ट्रेड यूनियन के फील्ड से रहे, ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष रहे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के हेड रहे और बाद में एम्बेसडर भी रहे। डॉक्टर के आर नारायणन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानने वाले थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो फ्रीडम फाइटर, डॉक्टर राधाकृष्णन फिलासफर किंग कहे जाते हैं, तो इंडियन प्रेसिडेंट और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर वीवी गिरी, ये सारे जितने भी लोग हैं, ये इंडिया के जितने भी प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाते हैं, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कंसेंट लेकर के और बहुत विचार करने के बाद प्रेसिडेंट के नाम का प्रपोजल कर रखते हैं, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है और इसके लिए हमारे संविधान में पहले ये सिस्टम था कि 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये प्रपोजल रख, किसी प्रस्तावक हो सकते थे कि ये इलेक्शन लड़ेंगे प्रेसिडेंट का, लेकिन उस पोस्ट की डिग्निटी बनाए रखने के लिए, उस पोस्ट की डिग्निटी बढ़ाने के लिए 1997 में ये बिल लाया गया कि एक लॉ बनाया गया कि इंडियन प्रेसिडेंट कोई इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसके लिए कम से कम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये प्रपोजल लाएं कि ये फला फला व्यक्ति प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इस तरह से ये उस पोजीशन को और डिग्निटरी वाली उस पोजीशन को और ग्रेविटी बढ़ाने के लिए ये बिल लाया गया है ताकि ऐसे लोग चुनाव न लड़ सकें जो केवल जिनके जीतने की संभावना ना हो। अब भारत में भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो हमारे चैप्टर में प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही हैं, तो मैं 2 मिनट वाइस प्रेसिडेंट की बात करूंगा। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो दोनों राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो उनका चुनाव करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति इलेक्टेड होते हैं और राज्यसभा और लोकसभा उनको स्पेशल प्रस्ताव लाकर ही अपने पद से हटा सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का यही तरीका है कि राज्यसभा में वो प्रस्ताव आए, राज्यसभा में वो बिल आए और उसके बाद उसको लोकसभा भी पास करे स्पेशल मेजोरिटी से, उसके बाद ही वाइस प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाया जा सकता है। इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है राज्यसभा का, तो वाइस वो एक साथ दो पोजीशन नहीं लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन होती है उसकी एक्चुअली पोजीशन ये होती है कि वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और वाइस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो अपना सारा का सारा काम जो है वो एज अ हेड ऑफ द राज्यसभा करते हैं। तो इस तरह से ये मैंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को क्लियर करने की कोशिश की है। अब आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो आपको अपनी पूरी बातें समझ में आएंगी कि उनकी क्या पोजीशन है। थैंक यू वेरी मच।